तो संडे को फिर मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। और बस और तो सब इसके ठीक अलावा है। किसी से, अच्छा किसी से कांटेक्ट हो पा रहा है? आप किसी को फेसबुक पर मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी को व्हाट्सएप पर पॉलिसी समझा रहे हैं, किसी को लोगों को अलग अलग चीजें लिख के भेज रहे हैं आप इंश्योरेंस के बारे में, है ना? सेल्स करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग, आप जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है उसके द्वारा लोगों को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिसी बेचने के लिए, या तो और किसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट, या कोई पर्चे आप बांट रहे हैं आसपास के लोगों को, कोई लीफलेट वगैरह बांट रहे हैं, या तो विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं, या तो बस में आप जाते हैं, शेयरिंग ऑटो में जाते हैं, क्या आपके बाजू वाले आदमी को जो बैठा होता है, क्या आप उसको एक अपना पर्चा देते हैं, या तो आप उसको डिस्प्ले फाइल दिखाते हैं, क्या इस तरीके का कोई एक्टिविटी हो रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो रहा। क्योंकि सेल करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना। जी यदि सर, हम देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम स्पेशली सेल करने के लिए समय निकालें, या तो हमारा सुबह से शाम तक जो भी हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी जिंदगी जीने का तरीका है, उसके अंदर हम ऐसा कुछ करें कि सेल ऑटोमेटिकली हो जाए। देखो, या तो हम करें या तो अपने आप हो जाए, दोनों में जी से ज्यादा आपको बढ़िया पसंद वाला तरीका कौन सा है? सर, वो तो आते जाते भी मिले तो भी ठीक रहता। आप बेचने की कोशिश करें तब आपका पॉलिसी बिके वो बढ़िया है, या तो आप कुछ ना करें तब पॉलिसी बिक जाए, दोनों में से ज्यादा आपको पसंद आने वाला तरीका कौन सा है? सर करना तो घर पड़ता ही है, पहल तो हाँ हमें ही करनी देखिए, पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया। पुराने तरीकों से यदि करते चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है, क्योंकि पुराने तरीके नए बदलते हुए समय के अंदर इतने ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं। तो हम नए नए तरीके निकालने जी पड़ते हैं, नए नए मेथड सीखते हैं, और नए तरीकों से जब हम काम करने लगते हैं, नए तरीकों से ही हमारा जो है ज्यादा पावरफुल तरीके से हो पाता है। इसलिए मैंने आपको ये सब सुझाव दिए। खैर, एनीवे हमारे पास सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नमस्कार सिन्हा साहब। सर, नमस्कार सर। जी सिन्हा साहब, कैसे हाल चाल? जी सिन्हा साहब, फर्स्ट कैसे क्लास हाल चाल आपके? सर, बताएं। मैं सुन रहा था अभी सर, और लिखा हुआ रेडमी है साहब, साहब का हाँ नाम क्या हाँ है साहब? इनको नाम पर्चा नहीं है। हरी हरी राम, मेरा नाम हरी राम जी, हरी जरा अपना रेडमी को चेंज करके जरा अपना नाम डाल लीजिए, राम। वरना क्या होता है कि मेरे को तो आपकी शक्ल से मालूम है लेकिन भाई सबको नहीं पता है, भाई अपना रेडमी को हाँ चेंज हरी राम जी, करके नाम डाल नमस्कार। लीजिए। नमस्कार सर, हाँ, नमस्कार जी। और हरी राम जी, आपने एक बार अपना नाम बदल लिया ना वहां पर, रेडमी की जगह आपने एक बार अपना नाम डाल लिया, तो आपको बार बार नाम शायद बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हर बार ही आपका जूम में वही नाम लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी सिन्हा आपके, साहब, हाँ सर, वो जो आपकी बात सुन रहा था बड़े गौर से, आपने हरे राम जी के लिए बात कही थी, वो बात जो सो लागू सब पे होती है और हमारे ऊपर लागू होती है। जैसे कल का दिन मैं आया नहीं था आपकी मीटिंग में, क्योंकि मैं सवेरे 9 बजे से ही बिजी था, मुझे कहीं जाना था। जी तो उसके आपने देखा कि हमें तो अपना समय निकालना होगा ना, अपने बीच में जाकर के, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं किससे बात कर रहे हैं, कहीं अपने चले गए, बातचीत उठा, तो जरा बातचीत से हम हटा ये पॉलिसी का 10 चीजें अगर हम जान जाएं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिन में जो हम काम के लिए निकले थे, बीच में हमारे पास मतलब 2-3 घंटे जो है सो मतलब ऐसे ही थे, फ्री थे, मतलब उसमें हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ कुछ नहीं कुछ नहीं, कनॉट प्लेस पे सिर्फ बैठना पड़ा बेंच पे मुझे, मैं गया था कहीं जाकर के, बैठना पड़ गया, बैठना पड़ गया, तो हमें अब कोई है ही नहीं हमारा, 2-3 घंटे का के बाद, उसके बाद जो सो शाम को जो सो थोड़ा सा मिले, जो मेरा काम होना था वो काम करके फिर हम आए। तो हम यही सोच रहे थे कि आप करके, अपना कार्ड तो हमने अभी तक नहीं बनाया है सर, अपना कार्ड, लेकिन कार्ड एक को अब अपना मैं कार्ड जल्दी बना से, लीजिए। अपना कार्ड मैं जल्दी बना लूंगा, फिर अपना जो जैसे हम अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास जो सो फाइल होता है, फोल्डर होता है, हर बार तो जी अपना फोन फोन तो नहीं, अब लैपटॉप तो अब लेके नहीं चलते, पहले लेके चलते थे कभी, अब तो सिर्फ फोन ही फोन होता है, जी उस फोन में ही सब काम हो जाता है। जी लेकिन लैपटॉप के अलावा, जी जो फोन के अलावा अगर कोई चीज साथ में होनी चाहिए, और अगर जो अभी नहीं है, वो है कि अपना जो डिस्प्ले जो मुझे बताना हो किसी को, आपने
प्रॉम्प्ट अगर उस वक्त ही तावक्ते मुझे कुछ देना हो, कुछ बताना हो, तो ये दिखाया, उनको बता करके समझा दिया, और सिर्फ एक चीज को बताया जो उनके लिए है। मैंने एक दो अपने क्लाइंट्स को इस तरह से ही अपने आइडेंटिफाई कर लिए, पकड़ लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, आज जैसे हमने बोला था आपसे कि हमारे बिल्डिंग में हम जब घूमने जाते हैं, सवेरे उठते हैं, तो रोज एक सज्जन जाते हैं जो गवर्नमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मिस्टर सचान। तो आज निकले वो जाकर के, हमने गुड मॉर्निंग सचान साहब कर लिया, उन्होंने गुड मॉर्निंग करके जैसे करके हाथ उठा करके उन्होंने भी किया। तो ये कुछ हमारी जैसा आंसरी उसे कही है, तो होता बेबी स्टेप्स तो हमने लेना स्टार्ट कर ही दिया है सर, बेबी स्टेप्स हमने लेना स्टार्ट कर दिया। पर उसकी आप जब में हो जाती है ना, आप भी कहोगे करके इसे काफी नहीं है, और हम भी जानते हैं कि शुरुआत में काफी लग जानी चाहिए, तो हमारे तो आपको पता ही है कुछ और भी है सब में लगे हुए हैं काम, तो हम इसको थोड़ा सा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे हम उसमें उस मोड में आ रहे हैं। और फिर जैसे आप हमारे लगता है कि अच्छा खासा 4-6 महीने में अच्छा खासा हम उसमें आ जाएंगे, अच्छे खासे उसमें आ जाएंगे, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो आप जान ही रहे ये। ठीक है, और बताएं सर। बढ़िया, हमारा LIC एजेंट होने नाते हमें ढेर सारे लोगों से जान पहचान होना जरूरी है, ढेर सारे लोगों से बातचीत करना जरूरी है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि हमें इंश्योरेंस का बातचीत करना जरूरी है, लेकिन हमें ढेर सारे लोगों से बातचीत करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम मान लीजिए बिल्डिंग से बाहर भी निकले हैं, हमें मान लीजिए कोई व्यक्ति का मुलाकात हुआ है, तो है हमें उससे जिस मर्जी टॉपिक की बात करें, जरूरी नहीं है कि हमको इंश्योरेंस का बात करना है। आप उसे स्पोर्ट्स की बात करिए, पॉलिटिक्स की बात करिए, कोविड की बात करिए, सोसाइटी की बात करिए, सफाई की बात करिए, RWA की बात करिए, आप उससे स्वीपर के बारे में बात करिए, आप उससे दूध वाले के बारे में बात करिए, सब्जी वाले के बारे में, जो मर्जी बात करिए, आपको उससे बात करना है। क्योंकि क्या होता है कि बातों में से बात निकलता है। हमारे पास दो तरीके हैं पॉलिसी प्रेजेंटेशन के, पॉलिसी बेचने के दो तरीके हैं। पहला ये कि हम जीरो से शुरुआत करें, तुरंत हमने उसको बिल्कुल शुरू से ही समझाना शुरू कर दिया, देखो ये पॉलिसी ले लो, ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट तरीके में कभी कभी खतरा भी हो सकता है। अब आपको एक आदमी मॉर्निंग वॉक पे निकला है, हम उसको एकदम से पॉलिसी समझाना शुरू करें तो वो डेंजरस काम है, हमें ये डेंजरस काम नहीं करना है। सर हेलो हाय, मूड में लेकर आप कर सकते हैं, हेलो हाय तो गुड मॉर्निंग तो सभी को करना है। हेलो हाय तो गुड मॉर्निंग तो हमें ये करना है कि हमें रोड पर कोई भी नजर आया, सोसाइटी में कोई भी नजर आया, हर एक को हेलो जरूर कर देना है। हम उसको जानते हैं तब भी कर देना है, हम उसको नहीं जानते हैं तब भी कर देना है, कम से कम उसको लगेगा कि हाँ कोई ना कोई तो अच्छा आदमी है। अच्छा एक दिन आप करोगे, अगले दिन फिर से आप करोगे, दूसरे, अच्छा पहले दिन जब आप करोगे ना तो वो सोचता रहेगा कौन है, ये कौन था, वो सोचता रहेगा। अगले दिन जब आप दोबारा से करोगे ना तो दोबारा से सोचता रहेगा यार ये कौन है, इसने कल भी किया था, इसने आज भी किया। जब आप तीसरे दिन करोगे ना, तीसरे दिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पूछेगा भाई साहब मैंने आपको कहाँ देखा है, किधर देखा है, तब आप उसको बता सकते हो अरे भाई साहब हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, कम से कम बात तो करनी चाहिए, हमें इंसान होने के नाते कम से कम हम लोग बात तो कर सकते हैं, इवन जानवर लोग भी आपस में बात कर लेते हैं, हम तो इंसान है तो हमें आपस में बातचीत तो करनी चाहिए ना, तो बस बातचीत करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यही जो है ना, इसी में सिर्फ आप बीच में थोड़ा बहुत इंश्योरेंस बीच में डाल सकते हैं, आप इमीडिएटली डालेंगे तो आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आवाज यदि आपको आ रहा है तो मेरे को तो यदि आप इमीडिएटली यदि आप इंश्योरेंस से शुरुआत एकदम से कर देंगे ना, तो शायद हो सकता है उस आदमी को पसंद आए या ना आए, तो हमको क्या करना है, जैसे वो नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसको मूड में लेकर आना है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा उस माइंडसेट के अंदर लेकर आना है कि उसको ये सुनने के लिए वो तैयार हो जाए। इंश्योरेंस एक बहुत ही भारी भरकम टॉपिक है, इंश्योरेंस एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इंश्योरेंस एक बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है,
और इसको डेलिकेट टॉपिक को हम डायरेक्टली शुरुआत इस तरीके से कर देंगे तो नहीं बन पाता है आदमी का। तो हमें ना डेलिकेट टॉपिक को डेलिकेट तरीके से शुरुआत करना है। हम उसको डेलिकेट तरीके से, अब हम उसी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम उसको पूछ सकते हैं। ये वैसे आजकल इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने के बढ़िया तरीके कौन से हैं? कौन से एवेन्यू के अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए, या सोने में लगाना चाहिए, या तो पोस्ट ऑफिस में लगाना चाहिए, या तो इंश्योरेंस में लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? हमें पहले उस आदमी से ढेर सारे सवाल पूछने जरूरी हैं। सबसे पहले उसका ओपिनियन लेना जरूरी है। जब उसका ओपिनियन क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 हमें पता लगेगा कि हाँ, इस आदमी के इंश्योरेंस के बारे में क्या विचार है। तब हम उसको पूछ सकते हैं इंश्योरेंस में कौन सी कंपनी अच्छी है, LIC बढ़िया है, या तो ICICI प्रूडेंशियल अच्छी है, या तो मैक्स अच्छी है, या तो जब हम उसको ये सारी सारी बातें पूछते हैं ना, तो आदमी धीरे 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 फिर इंश्योरेंस के टॉपिक पे आने लगता है। जब उसको हम धीरे धीरे लेकर आते हैं ना, तो उसको मालूम नहीं चलता है कि वो कब इंश्योरेंस के टॉपिक पे आ चुका है। और जब वो इंश्योरेंस के टॉपिक पे आ जाता है तो उसके बाद फिर हम उसको प्लान समझा सकते हैं। आजकल ना बहुत बढ़िया स्कीम आई हुई है हमारी कंपनी में, 500 रुपये रोज भरो, 1 करोड़ रुपए मिलेगा। फिर उसके बाद लोग इसके अंदर मान लेते हैं, हाँ ठीक है, चलो ये वाला टॉप, ये वाला जो इंश्योरेंस का है हमें करना चाहिए। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ट्रॉफी फिलहाल हरिराम जी आई हुई है, हरिराम जी रिपब्लिक ट्रॉफी आई हुई है। हमारी टीम में से राजेंद्र जी कर चुके हैं, मनीष, नरेंद्र, कपिल खुराना, विकास गोयल, किशन लाल, मंजू चौधरी, पीके त्यागी, नवीन जैन, वीरेंद्र शर्मा, बहुत सारे साथी कर चुके हैं। हरिराम जी क्या बात है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई समस्या आ रही है, क्या बात है, ट्रॉफी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ रुकावट आ रही है? मेरे सर संडे को करते हैं, देखो संडे संडे को कर जो पॉलिसी लेंगे? है। जी नहीं, संडे तो है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 25 तारीख को आपको पता है कि ये वाला सिर्फ 25 तक अवेलेबल है, ये उसके बाद अवेलेबल नहीं है। आप तो जी सर करोगे, बड़ी अच्छी पता बात है। हाँ जी, है सर, संडे कब है? कब है संडे? कब है? 24 को संडे है ना? संडे 24 को है। 25, हाँ तो 25 तक अवेलेबल है ये, मंडे तक अवेलेबल है ये वाली जो ट्रॉफी अवेलेबल है, ये सिर्फ मंडे तक अवेलेबल है। यदि आपने तब तक कर लिया तब तो जी ठीक सर, जी है, सर, वरना उसके बाद आप करेंगे तो ट्रॉफी हो नहीं पाएगी। तो इसको जो है पक्का आप कर लीजिए, जी सर, इसको किसी भी कोशिश हालत है में संडे छोड़ना को हो नहीं जाए, है। देखो। हाँ तो ये आप ध्यान कर लीजिए, ये किसी भी जी हालत में सर, छोड़ना नहीं है। आप यदि मिनिमम वाला प्रीमियम करेंगे तब भी चलेगा, आप 300-300 रुपए की पॉलिसियां तीन करेंगे तब भी चलेगा, आप एक ही नाम से तीन पॉलिसी करेंगे तब भी चलेगा, आप घर की पॉलिसी खुद की पॉलिसी करेंगे तब भी चलेगा। अब देखिए कोई यादगार चीज आई हुई है, आप देखो कमीशन तो आपको जिंदगी भर मिलने ही वाला है, आप जब भी पॉलिसी बेचेंगे आपको जिंदगी भर कमीशन तो मिलने ही वाला है। लेकिन ये जो ट्रॉफी होती है ना, क्या होता है कि ये बिल्कुल जिंदगी भर के लिए ना यादगार हो जाती है, जिंदगी भर आपके पास घर में रहेगी, जिंदगी भर। आप सोचो बच्चे, हरिराम जी आपके कौन कौन सी क्लास में हैं? बच्चे तो अब 12th में है, बेटा एक 12th में छोटा है, वाला, एक आपका इंजीनियरिंग कर रहा है। एक BSc करके वो तो जॉब कर रहा है फिलहाल। एक बीएससी करके जॉब कर रहा है, एक 12th में है। आपके दो बच्चे हैं? जी लड़की है एक, वो 12th कर चुकी है। ठीक है, एक 12th कर चुकी है, एक बीएससी करके जॉब कर रहा है, और एक और बेटा आपका है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसे ही है ना? नहीं, वो 12th वो भी कर रहा है फिलहाल। ठीक है, बढ़िया। तो एक 12th कर रहा है, बिटिया 12th कर रही है, और बीएससी का जो आपका वो करने के बाद वो जॉब कर रहा है। मुझे एक बात बताओ कि इन तीनों को जब ये पता लगेगा कि आपने ये वाली अशोक स्तंभ वाली गणतंत्र दिवस की ट्रॉफी जीती है, तो इन तीनों को महसूस क्या होगा? ये तीनों आपके बारे में क्या बोलने वाले हैं, या तो क्या सोचने वाले हैं, या तो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करने वाले हैं? जी सर, वो तो खैर है। अच्छा, उस ट्रॉफी के ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा होएगा कि तीन पॉलिसी पे मिली थी, इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, ये सिर्फ आपके और हमारे बीच की बात है कि तीन पॉलिसी पे मिली थी। तो ये ले लो, इसको जी लेट मत सर, जी करो, इसका सर, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, इसको लेट मत करो। गुड्डू कुमार जी नमस्कार। जी सर, कोशिश करेंगे, पूरी अच्छा, पूरी हाँ कोशिश ठीक है ठीक करेंगे। है, बिल्कुल आप हाँ कोशिश करिए, ठीक बात है। गुड्डू कुमार जी क्या हाल है आपके? नमस्कार प्रणाम सर। गुड्डू जी। हाँ खुश रहिए गुड्डू जी। बिहार से अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं या दिल्ली आ गए हैं? नहीं सर, गांव में ही हैं अभी। अभी आप गांव में हैं, चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। कैसे चल रहा है आपका गांव में? नॉर्मल है सर सब कुछ अभी तो।
चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। आपका क्या एक्टिविटी चल रहा है गांव के अंदर, आपका कुछ सेल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? अभी कुछ नहीं सर, अभी बहुत ठंडा है, अभी बहुत ठंडा है। ओके ठीक है, बढ़िया। सो ठंडा तो खैर सभी जगह है, गांव में भी है, दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, सभी जगह ठंडा है। कुछ व्यक्ति होते हैं वो ठंड के बावजूद भी सब चले कर जाते हैं। अच्छा, ठंड दो तरह की होती है, एक तो ठंड बाहर की होती है, एक ठंड अंदर की होती है। सो बाहर की ठंड से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे दिल के अंदर कितनी ठंड है, हमारे दिमाग में कितनी ठंड है, हमारे शरीर में कितनी ठंड है। तो सब तकलीफ जो है इन्हीं ठंड से होती है, बाहर की ठंड से, बाहर की ठंड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है जब तक कि हमारे अंदर ठंड ना पैदा हो जाए। सो हमारे अंदर यदि आग जलती रहे, एक वो कविता भी है कि आग तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, किसी ना किसी के सीने में तो आग जलनी चाहिए। सो यदि ठंड यदि सीने में हो जाती है तो फिर वो तकलीफ कर जाती है, यदि गर्मी हमारे दिल में होती है तो हम दुनिया का हर एक काम कर सकते हैं। सही बात है। एक्चुअली सर जो यहाँ जो है सर, बीमा जो है सर यहाँ पर जो है निकलेगा है ना, लेकिन उसके लिए जो है कंटिन्यू जो है डेली काम करना पड़ेगा उसमें, मतलब यहाँ पे मतलब राइट। मैं सुबह आज मॉर्निंग वॉक पे गया, मैं सुबह हमारे घर के पास में राधा कृष्ण पार्क है, बहुत शानदार पार्क है, तो ठंड के कारण डेफिनेटली कम लोग आते हैं। तो मैं वहां पे क्या पहन के गया, एक स्वेटर, एक जैकेट, एक और जैकेट, मैं तीन तीन चीजें पहन के गया। अच्छा, दो दो कैप्स, ठीक है ना, अभी ठंड है तो पहनना ही पड़ेगा ना। तो ठंड बाहर चाहे जितनी मर्जी, अच्छा लोग बर्फ वाले एरिया में भी रहते हैं ना, हिमालय के अंदर भी लोग रहते हैं ना, उनको भी तो ठंड लगती होगी। हमें ठंड तब तक लगती है जब तक हमारे जीवन के अंदर हमारे लक्ष्य बड़े नहीं होते, हमारे गोल्स बड़े नहीं होते, तब तक हमको ठंड लगती रहती है। यदि हमारे जीवन के अंदर गोल्स बड़े हों, हमारे लक्ष्य बड़े हों, तो हमें ठंड वंड ये सब कुछ नहीं लगता है। एनीवे, आप के जो आज के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि हमारा आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या है। So, ट्रॉफी तो है ही, तीन पॉलिसी के ऊपर ट्रॉफी मिल रही है, गांव में बैठकर भी ट्रॉफी हो सकती है यदि आप चाहें तो, डेफिनेटली गांव में बैठकर हो सकती है। हमारी टीम में ढेर सारी ट्रॉफियां क्वालिफाई हो चुकी हैं, हमें इस बात की खुशी है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगेगा यदि गुड्डू जी आपकी भी ट्रॉफी हो, हरिराम जी आपकी रहे, और दीपक कुमार सिन्हा जी का मुझे लगता है ईमेल शायद आजकल में आ जाना चाहिए, तो आपका भी शायद हो सकता है ट्रॉफी आप क्वालिफाई कर पाए। हमारा तीन नंबर ट्रॉफी यहाँ पर लिखा हुआ है, 945-15 टर्म 15 से 100 के एफएबी रेट क्या है, तो आप में से कौन साथी इसके बारे में बताना चाहेंगे, एफएबी रेट क्या है, 945-15 टर्म के एफएबी रेट क्या है। सबसे पहले तो मुझे 945 के बारे में आप में से कौन साथी बताना चाहेंगे, 945 क्या होता है? जीवन उमंग पॉलिसी सर। जीवन उमंग पॉलिसी होता है, बहुत बढ़िया। अब जीवन उमंग पॉलिसी के अंदर टर्म 15 से 100 के एफएबी रेट, अब एफएबी क्या होता है, ये एफएबी क्या होता है सर? तो 20 साल के बाद जो बोनस कैलकुलेट करके जो उसके ऊपर जो जो लगता है, फाइनल थोड़ा सही है लेकिन वो तो फाइनल एडिशनल थोड़ा सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, बताएं एफएबी क्या। सिन्हा साहब आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था फाइनल एडिशनल बेनिफिट, फाइनल एडिशनल बोनस। तो फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है पॉलिसी, बढ़िया। तो पॉलिसी कितने साल चले, हाँ जी हरिराम जी क्या? वो तो टाइम देते हैं 15 साल या 20 साल, बाकी बोनस 100 इयर्स का होता है। ओके, जो पॉलिसी, जो जीवन उमंग पॉलिसी कम से कम 15 साल चल जाती है, जीवन उमंग पॉलिसी जब 15 साल चल जाती है, कम से कम 15 साल चल जाती है, तो उसके अंदर फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। उसके अंदर फाइनल एडिशन बोनस कितना दिया जाता है आप बता सकते हैं? अच्छा, फाइनल एडिशन बोनस के अलावा जीवन उमंग पॉलिसी के अंदर और कौन सा बोनस दिया जाता है वो आप बता सकते हैं? जीवन उमंग पॉलिसी में फाइनल बोनस तो चलो ठीक है 15 साल पूरे हो गए दे देंगे, तो अभी उसका 1 साल पूरा हुआ है तो उसके अंदर बोनस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नहीं सर, उसमें कैसे जुड़ेगा? ओके बढ़िया, और कोई साथी बताना चाहेंगे? जीवन उमंग पॉलिसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हैं, अभी उसके अंदर कुछ बोनस
फाइनल बोनस नहीं, कोई और तरीके का बोनस क्या उस पॉलिसी में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा सर, उसके अंदर जुड़ेगा सर, थोड़ा सा जुड़ेगा। कौन सा बोनस जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? इस तरीके का बोनस जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा उसमें? हाँ जी, एक एफएबी का बोनस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा हर साल उसका। वो तो 15वें साल में जुड़ेगा ना, हर साल नहीं जुड़ेगा, वो तो 15वें साल के बाद जुड़ेगा, 15 साल होने के बाद जुड़ेगा। और कौन सा बोनस जुड़ेगा, एक साल हो गए, दो साल हो गए, तीन साल हो गए, तो बोनस कौन सा जुड़ेगा पॉलिसी में? एक साल के बाद कौन सा बोनस जुड़ेगा? जो रेगुलर जो जो इंटरेस्ट है वो तो जुड़ेगा ही, हर साल का जो 7.5% इंटरेस्ट है वो तो जुड़ेगा ही। मतलब एनुअल बोनस जुड़ेगा पॉलिसी के अंदर, जो हर साल बोनस इसके अंदर जुड़ रहा है, जो पॉलिसी के अंदर हर साल बोनस इसके अंदर डिक्लेयर हो रहा है, जो हर साल 31 मार्च की डेट में हर साल एलआईसी की पॉलिसी के अंदर जो बोनस डिक्लेयर हो रहा है वो पॉलिसी के अंदर जुड़ेगा। तो ये वाला जो बोनस पॉलिसी के अंदर जुड़ेगा, ये वाला बोनस का रेट हर साल अलग अलग पॉलिसी के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है कि नहीं है? जी सर। हर एक पॉलिसी के अंदर जो बोनस का रेट होता है, हर एक साल के अंदर बोनस का रेट अलग है। तो हमारे पास अभी इस समय यहाँ पे हमारे देशराज कपूर जी ने एंटर किया है, तो हम थोड़ा सा उनको वेलकम करने की कोशिश करते हैं। कपूर साहब गुड मॉर्निंग। कपूर साहब का ड्रेसिंग टेबल नहीं, कपूर साहब नजर आ रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग कपूर साहब। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है कपूर साहब आपके? मैं ठीक है, बढ़िया। आखिरी का कपूर साहब, हमारे पास एक मिनट बचा है, हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारा 3 नंबर टॉपिक जीवन उमंग का चल रहा था, सो आप अपना कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे, कोई अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहेंगे, क्या आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, या तो फिर जो सोमवार का आपने राजेश टैगोर, अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजेश टैगोर जी ने सोमवार को कुछ होमवर्क दिया था, जो सोमवार को जो 293 पार्टिसिपेंट थे उस वाले प्रोग्राम के अंदर, सोमवार के दिन राजेश टैगोर जी वाले प्रोग्राम में, तो सोमवार से के उसमें उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को, सोमवार के बाद में सोम मंगल बुध बृहस्पति आज, तो आपका वो होमवर्क में अभी तक कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, आप बता पाएंगे? हाँ, उसका प्रोसेसिंग है उसमें। हाँ जी, मीटिंग चल रही है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। आप उसके बारे में कुछ शेयरिंग करेंगे? कुछ बढ़िया शेयरिंग है, पर कुछ नहीं आता वो, बाकी है क्या लोग मिल रहे हैं फिर कल भी चार तीन चार को मिला था, दो तीन चार आदमी को मिला था। हाँ हाँ, बढ़िया। और बाकी आगे जब रिजल्ट आएगा, जब पता लगेगा कुछ। ठीक है, आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं क्या? आप अपना जब लोगों को मिलते हैं, क्या आप रजिस्टर में डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, कितने बजे इस आदमी का मीटिंग शुरू हुआ से लेकर इस आदमी को कितने बजे तक मैंने मीटिंग किया, ऐसा कहीं रिकॉर्ड होते हैं क्या? टाइम नोट नहीं होता, टाइम नोट नहीं होता, टाइम नोट नहीं होता है। बढ़िया, टाइम नोट नहीं करने का खतरा क्या होता है? मैंने ये देखा है, जब हम टाइम नोट नहीं करते हैं तो उसका खतरा क्या होता है, हमारी मीटिंग लंबी खिंचने का चांस रहता है, तो ये थोड़ा सा एक खतरा है। मतलब हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि हम कम से कम समय में बड़े से बड़ा प्रीमियम निकाल सकें। तो कई बार मैंने देखा है, हमारे एक साथी, दो साथी, मतलब अलग अलग साथियों के साथ बात करके मैंने क्या देखा है, एक घंटा, सवा घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा यार आप इतना दो घंटे करते क्या हो, आपका काम है गए फटाफट 15-20-25 मिनट काम निपटाया, फटाफट पैसे लिए खत्म, दो घंटे तक क्या करते रहते हो? अगर नहीं वो बस हमारा चलता है। हाँ जी, मेरा सुझाव ये है कि यदि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोट करके रखें, यदि हम स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम नोट करके रखते हैं तो हमारा टाइम पे कंट्रोल रहता है, और कोई बात नहीं है। सो हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा था जीवन उमंग का, लेकिन इसके बीच के अंदर हमारा ऑलरेडी टाइम खत्म भी हो चुका है, तो हम डेफिनेटली टाइम को एक्सीड करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। इस टॉपिक को हम बाद में फिर से कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको तैयार करके आइए। ये जो 3 नंबर टॉपिक है, 945-15 टर्म, 15 से 100 के एफएबी रेट्स क्या क्या हैं, मैंने दोबारा से इसको शेयर कर दिया है। वैसे तो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ये वाला टॉपिक ऑलरेडी शेयर था, सारे के सारे रेट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, एक बार उनको पढ़ के समझ के जान के आइए, तो हम उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसको ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये एफएबी रेट पहली बात तो ये है क्या, दूसरी बात इनके बारे में जानना जरूरी क्यों है। आज का प्रोग्राम आप सभी को कैसा लगा, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे, कौन कौन बताना चाहेंगे?
अच्छा लगा सर। ओके और कोई साथी आज आपको क्या क्या अच्छा लगा आप इधर आए? ठीक है और कोई साथी आज बताना चाहेंगे? आपने एक पॉलिसी को पकड़ के डिस्कस कर लिया सर। हाँ उसको हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे कल बाकी का। हम जो है आज टाइम हो चुका है कंप्लीट, तो इस वजह से आज हम ज्यादा लंबा तो नहीं खींच सकते उसको, तो क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है तो फिर उसको बाकी का हम कल उसको करेंगे कंप्लीट। और कोई साथी बताना चाहेंगे और आज क्या क्या अच्छा लगा आपको आज आप यहाँ पर आए? ओके सो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत शानदार लगा आप सभी से मुलाकात हुआ, स्पेशली आपने समय निकाला कुछ जानने का सीखने का समझने का कोशिश किया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, आपका डेली पॉलिसी सेल हुए यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है, एंड बाय बाय सी यू, कल सुबह फिर से मिलते हैं एक बढ़िया सी दोबारा से एक मीटिंग के अंदर, बाय जी भाई।